वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स आप आ गए हैं कि नहीं आए okay, हैं ओके टू वॉचिंग है अभी ठीक है आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं क्लास लेने में ठीक है हम लोग का अक्टूबर मंथ चल रहा है कल हम लोगों ने अक्टूबर मंथ बच्चों शुरू किया है ठीक है तो आज हम लोग अपने उसी जो फेज़ है जो हम लोगों का अक्टूबर मंथ शुरू हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ठीक है चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एंड फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हमारा नया और चौथा डिप्टी गवर्नर आरबीआई का कौन यहां पर अपॉइंट किया गया आरबीआई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट्स का पहला क्वेश्चन है बच्चों ठीक है? अपॉइंटमेंट्स का पहला क्वेश्चन है ठीक है राजन गुड नाइट सर जी गुड नाइट बेटा हो गया अभी से हाँ, हाँ, नाइट दस बजे के बाद होती है ठीक है अपने अपने हिसाब से लोगों ने बना रखा है तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यू एंड फोर्थ डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन है यहां पे नाम आपके सामने दिए हुए प्रसन्ना कुमार मोहंती सचिन चतुर्वेदी जी एम राजेश्वर राव मनीष अग्रवाल और रजत रजत अग्रवाल ठीक है तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों जो भी हैं मतलब लाइव है ऑनलाइन है जो भी उनमें किसी को इसका आंसर पता है कि नहीं पता है सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आरबीआई जो गठन हुआ था आरबीआई एक्ट ठीक है और एक अप्रैल को इसका गठन हुआ था ठीक है बच्चों राधे राधे बच्चा राधे राधे ठीक है तो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर होगा ये बफर कर, कर रहा है चल नहीं रहा है। सेंसर पे सेंसर पे चल नहीं रहा है देखो से, 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 से. बेटे। तो इसका जो आंसर है बच्चों थोड़ा सा बफरिंग का दिक्कत था ठीक है जो इसका आंसर है ठीक है बच्चों वो है ठीक है जो इसका आंसर है वो है एम राजेश्वर राव ठीक है ठीक है एम राजेश्वर राव जो हमारे नए और चौथे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के न्यू एंड फोर्थ डिप्टी गवर्नर आरबीआई के जो नए अपॉइंट हुए हैं वो ये हैं ठीक है बच्चों ठीक ठीक है है प्रभात तिवारी आईक्यू मैसेज रिट्रैक्टेड ओके नो प्रॉब्लम व्हिच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज द एयर फोर्स डे देखो एयर फोर्स डे जो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डिफेंस है डिफेंस की जितनी भी विंग्स हैं हमारी तीन विंग्स हैं ठीक है एयर फोर्स एयर आर्मी ठीक है और नेवी इसके आपको बच्चों डे पता होने चाहिए ठीक है <coughs> एयरफोर्स का डे होता है एट्थ अक्टूबर आर्मी का होता है फिफ्टीन जनवरी नेवी का होता है टेन ठीक है फोर दिसंबर ठीक है तो यहां पर कौन सा होगा इसका इसका होगा एट्थ अक्टूबर, ठीक है एयरफोर्स डे एट्थ अक्टूबर, ओके चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है Who has won the 2020 Nobel Prize in Chemistry? तो देखिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यहां पर नोबेल प्राइज की बात की जा रही है कि किसको दिया गया है अच्छा बच्चों नोबेल प्राइज की जो शुरुआत की गई थी ठीक है नोबेल प्राइज की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी 1901 में ठीक है और कल मैंने ये चीज भी बताई थी कि सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था किसको मिला था गुड इनफ को मिला था ठीक है गुड इनफ को मिला था ठीक है गुड को मिला था तो यहां पर बात हो रही है कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का किसको मिला जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर ग्रेगरी पी विंटर ठीक है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड तो तीन तीन लोग हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि जब आप आ, कोई भी एक प्राइज है जब दो या तीन लोगों को मिलता है ठीक है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो मनी होता है ठीक है वो उसमें क्या होता है डिवाइड हो जाता है ठीक है चलिए तो ये मिला है इमैनुअल चारियर को और जेनिफर ए डॉडना को ठीक है इमानुएल चार और जेनिफर ए डोडना को ठीक है नोबे प्राइज इन केमिस्ट्री। लाइकवाइज आप जो है चीजों को और याद कर सकते हैं जैसे नोबेल और चीजों में दी जाती है फिजिक्स में केमिस्ट्री में, में, लाइफ लिटरेचर में ठीक है इस में, ठीक है तो इन चीजों में आपको दी जाती है इनके भी आप अपने नाम याद कर लीजिएगा बच्चों ठीक है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ठीक है चलिए गवर्नमेंट द एपीआई पीएम स्वनिधि सरकार ने हाल ही में पीएम स्वनिधि पोर्टल के एपीआई को किस बैंक के साथ एकीकृत किया है ताकि शीघ्र ऋण स्वीकृति और समवितरण प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके तो इंटीग्रेट किया है किसको एपीआई को ठीक है पोर्टल साथ, किस बैंक के साथ ये चीज, जो स्वीकृति की गई है ताकि ये जो प्रोसेस है, उसको और India, भारत को जो है जो ग्लोबल फॉर्चून बैंक होते हैं फिफ्टी ठीक है टॉप तो फिफ्टी बैंक जो होते हैं वर्ल्ड के उनमें जो है एस का नाम चलता है ठीक है बच्चों ग्लोबल लेवल पे ठीक है तो एस के साथ यहाँ पर क्या किया गया है पार्टनरशिप की गई है किस चीज के लिए स्पीडी लोन सैंक्शनिंग करने के लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन कॉटन हैज बीन गिवन अ ब्रांड नेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट विश्व कपास दिवस विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है उत्पाद का ब्रांड नेम क्या है ठीक है तो कपास की ही बात हो रही है तो कपास का ही ब्रांड बताया जाएगा ठीक है कपास का कौन सा बच्चा ब्रांड है ठीक है तो भारतीय कपास दिवस के दिन एक ब्रांड नेम दिया गया है कौन कौन से हैं ये कस्तूरी कपास कुबेर कॉटन केसरी कॉटन कनक कॉटन या कुंदन कॉटन ठीक है तो इसमें से जो नाम दिया गया है वो है बच्चों कस्तूरी कॉटन ठीक तो है, है कस्तूरी कॉटन ये चीज आप नोट कर लीजिए ठीक है कि इंडियन कॉटन डे के दिन ठीक है एक ब्रांड नेम दिया गया है भारत भारत सरकार द्वारा ठीक है तो वो कौन सा नाम है तो वो नाम है बेटा गुड इवनिंग ठीक ठीक है 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 वो नाम है कस्तूरी कॉटन चलिए हम अक्टूबर मंथ का करंट डिस्कस कर रहे हैं ठीक है सितंबर का हम लोगों का बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसके नोट्स बिल्कुल बनाए होंगे ठीक है आप लोगों का किसी भी दिन एक ऑनलाइन टाइप का मतलब लाइव ही आपका एक स्पीड टेस्ट हो सकता है ठीक है और जिससे भी मैं ये देख पाऊंगा आप लोग लाइव रहिएगा जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर डेली रहते हैं उनसे मैं खासकर उम्मीद करता हूँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा अच्छा शायरी भी चल रही है पे प्यासे के पास चलकर समंदर भी है ठीक है आएगा, आएगा। तो आप लोग बिल्कुल जैसे नोट्स बनाए रखेंगे तो मैं उन्हीं में से क्वेश्चन प्रयास करूंगा उस उन में से नहीं बच्चों लेकिन जो पढ़ाया गया है आप लोगों को वन ईयर ईयर ये सही करो एक्सपीरियंस वन ईयर करंट अफेयर्स एग्जाम कर लिए सफिशियंट है बहुत बढ़िया बेटा बहुत सफिशियंट है इट इज फॉर ईच ऑफ द देशन जो आगे आगामी कंडक्ट किए जाएंगे ठीक है तो जो यहाँ पर कपास की बात कर रहा था वो कस्तूरी कॉटन है है ठीक तो मैं ऑनलाइन uh, मतलब जो स्पीड टेस्ट की बात कर रहा था तो सेम्बर का जो uh, आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा बच्चों वो किसी भी दिन हो सकता है ठीक है वो आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा आप लोग तैयार रहिएगा ताकि मैं देख पाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है ठीक है आगामी एग्जाम्स uh, के लिए एग्जाम्स तो होते रहेंगे और स्पेसिफिक मत हुई है कि इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के लिए जो भी वैकेंसीज आती है आप कम से कम अपने एग्जाम्स निकालिए जिससे कि आप लोगों का मोटिवेशन लेवल खुद में बूस्ट हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर छह विच स्टेट हैज द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम टू कनेक्ट ईच विलेज पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे ही सारा काम हो रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए देखिए इसमें फायदे देखिए कुछ होते हैं डिस्टोर्शन लेस होता है ये सबसे पहली चीज डिस्टोर्शन लेस ठीक है केबल्स जो होते हैं जो जहां होता था केबल्स का कि बाहर केबल लटक रहे हैं ये चीजें नहीं होती अंडर द ग्राउंड ये चीजें होती हैं ठीक है कोर के कोर होते हैं ठीक है क्लैड होता है सीथ होता है ठीक है और सबसे बड़ी चीज है ऑप्टिकल फाइबर अगर जब बात करता है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो होता है किस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है तो टी आई आर आप बोल सकते हैं ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ठीक है तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए तो किस किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए ठीक है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है ठीक है बच्चों तो जो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहे हैं वो है महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश ठीक है चलिए आप देखता हूँ कि किसी में से आठ लोग देख रहे हो किसी को इसमें कुछ पता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका उत्तर क्या हो सकता है काफी समय लगेगा क्योंकि आप सामने हैं नहीं तो मैं कह भी नहीं सकता कि आप लोग कितने लोग हैं जो मतलब तल्लीनता के साथ इसको आप देख रहे हैं कितने लोग आप इसको मतलब समझ रहे हैं ठीक है चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर क्या है एंड द राइट आंसर इज़ गुजरात ठीक है गुजरात है गुजरात मतलब काफ़ी आगे चल रहा है काफ़ी मॉडल्स में मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो मतलब आगे चल रहे हैं चीज़ें जैसे एमपी है क्लीनलीनेस के लिए अच्छा चल रहा है राजस्थान क्लीनलीनेस के लिए मतलब जब ही कल ही मैंने बात की थी रेलवे के क्लीनलीनेस का सर्विस हुआ था तो जयपुर और जबलपुर जयपुर जोधपुर और दुर्गापुर तीन स्टेशन थे रेलवे के तो उनने नाम किया था ठीक है और जब अभी क्लीन सिटी की बात होती है तो चार बार से लगातार इंदौर अपना नाम कर रहा है ठीक है टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो गुजरात अच्छा कर रहा है तमिलनाडु अच्छा कर रहा है ठीक है यूपी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे सर्वे हुए हैं जैसे कल मथुरा की बात करी गई, गई थी हेमा मालिनी जी के जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जयपुर की पैटर्सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है उनके साथ उन्होंने लोगों साझा किया है ठीक है तो काफ़ी चीज़ें हैं हर स्टेट अपने अपनी जगह पर अच्छा कर रहा है ठीक है वन सिटी वन प्रोडक्ट वन स्टेट वन प्रोडक्ट बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं ठीक है तो चीज़ें आपको बस क्या करनी है कि आपको अपना Uh, दिमाग में रखना है कि विच स्टेट इज डूइंग बेटर इन देयर विच सेक्टर तो जब आपके दिमाग में रहेगा चीजें तो आप रिकॉल करना आपके लोग के लिए आ, काफी आसान पड़ जाएगा ठीक है तो किस राज्य ने किया बच्चों जिस राज्य ने किया है वो है <coughs> गुजरात ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे हर जो है विलेज पंचायत को जोड़ने की जो डिजिटल सेवा से तो जो स्कीम निकली निकाली गई है ठीक है उसके तहत ही यहाँ पे काम हो रहा है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2020 में भारत जो है भारतीय वायु सेना दिवस के किस संस्करण का जश्न मनाया गया इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द एयरफोर्स डे एयरफोर्स डे अभी हमने बात की किस दिन पड़ता है तो वो पड़ता है 8th अक्टूबर को ठीक है एट अक्टूबर को पड़ा अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा हो गया कि कौन सा संस्करण मनाया गया संस्करण मनाने का मतलब है कि किस साल एयरफोर्स जो है भारत की वो फॉर्म हुई थी ठीक है तो अगर जिन भी ऑप्शन को हम यहाँ देख रहे हैं ठीक बच्चों जैसे उसका ही संस्करण होगी वो अंडर ब्रिटिश रूल हुई होगी अगर इन ऑप्शन को हम देखते हैं ठीक है तो वो है एटी एट ठीक है एट्टी एडिशन हमारा एयरफोर्स का बच्चों मनाया गया ठीक है एटी एट एडिशन हमारा मनाया गया है <coughs> वो मनाया गया है 8 अक्टूबर के दिन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी आईपीपीबी एक आ, सरकारी ठीक है कह सकते हैं बैंक है ठीक है और ये पोस्टल बैंक है ठीक है पोस्टल पेमेंट्स का आ, बैंक है ठीक है इसका भी गठन अभी कुछ साल पहले हुआ था 86 एटी एट है है बेटा ठीक कोई बात नहीं तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है आईपीपीवी के कौन बनाए गए हैं ऑप्शन आपके राजेश मिश्रा योगेश सिंह जी हैं रतन वर्मा है जय वेंकट रामू है और रवीना प्रताप जी हैं तो इसका जो सही उत्तर है एमडी और सीईओ के बीच में मैंने अंतर एक दिन बताया था आप लोगों को एमडी और सीईओ क्या होते हैं ठीक है थीके? तो

जब डेमोक्रेसी की हमने उस दिन बात की थी बच्चों आपको याद होगा जब डेमोक्रेसी की बात की थी, थी तो उसमें हमने दो तरीके की डेमोक्रेसी आपको बताई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इंडायेक्ट तो चलिए ठीक है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री चल रहा है ठीक है डायरेक्ट की की जब हमने हमने बात की थी तो बताया था कि कौन सा ऐसा देश था तो उस देश का नाम आया था स्विट्जरलैंड और डायरेक्ट को कॉल करने के तरीके हमने जो बताए थे वो बताए थे हमने चार ठीक है बच्चों चार तरीके हमने बताए थे उस दिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कॉल करने के ठीक है तो यहाँ जो मैं आपको बात कर बता रहा हूं कि आपको इन देशों के बारे में जानने की जरूरत है कैपिटल की करेंसी की ठीक है और पीएम वहां पे कौन है, कौन है है प्रेसिडेंट कैसा रूल है रूल तो नहीं है जैसे प्रिंस प्रिंस चलते हैं कई जगहों पे ठीक है तो वो ऐसा रूल तो तो नहीं है ठीक है ठीक तो ये चीजें आपको लगभग इन देशों के बारे में पता होनी चाहिए ठीक है चलिए तो जो देश यहाँ पर है जिस सरकार ने जिस सरकार ने अपनी प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा ने अपना इस्तीफा दिया है वो है कुवैत ठीक है कुवैत है बच्चों चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड आ टिक्सर कौन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है ठीक है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आर्कटिक में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम ये है सिरकॉन है ठीक है इसका परीक्षण किया है तो वो देश कौन सा है वो उत्तर कोरिया है जापान है यूएसए है चीन है या फिर <coughs> रूस रूस है 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 जो देश है जो वो है? रशिया ठीक है? वो रूस है, ठीक है? बच्चों इसका उत्तर आज के हमारे दस सवाल हो गए हैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट भी कर रहे होंगे प्रभात बैठे हुए हैं राम नरेश जी हैं पापा की परी एवरी वन जस्ट मेक ऑफ दीज क्वेश्चन ठीक है

तो वो बैंक है एक्सिस बैंक बच्चों एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप करके ठीक है फॉरेक्स फॉरेक्स जो को ब्रांडेड कार्ड है वो लॉन्च किया है किसके लिए ताकि जो जरूरत पड़ती है जो अंतरराष्ट्रीय जो यात्री होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों ठीक है तो विस्तार के साथ जो है इन्होंने एक फॉरेक्स कार्ड जिसने लॉन्च किया है उसका नाम है एक्सिस बैंक ठीक है एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है बच्चों ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड नागालैंड और, और मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट ये स्टेट्स से हैं हमारे सेवन सिस्टर्स के कंप्राइज करते हैं ये तो वहां के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं ठीक है फॉर्मर गवर्नर ठीक है मणिपुर और नागालैंड के और एक्स सीबीआई डायरेक्टर एक्स सी डायरेक्टर एक अब आप लोगों को इनमें से नाम भी कुछ आ, क्लियर हो रहे होंगे ठीक है अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है उनका नाम क्या है ऑप्शन आपके सामने राकेश अस्थाना जी है अनिल सिन्हा रंजीत सिन्हा जी है अश्विनी कुमार है आलोक वर्मा है सारे ही नाम वहां पर सीबीआई में से हैं तो उनका नाम है बच्चों अश्विनी अश्विनी कुमार ठीक है अश्विनी कुमार जी हैं ठीक है बच्चों जिनका हाल ही में निधन हो गया ये राज्यपाल भी रहे थे मणिपुर और नागालैंड के और सीबीआई के ये पूर्व जो है निदेशक भी रहे हैं ठीक है बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि व्हाट इज थ्री न्यू एक्सटर्नल सरकार द्वारा के के सदस्यों का कार्यकाल क्या है ऑप्शन तो आपके सामने हैं uh, तीन वर्ष पांच वर्ष दो वर्ष और चार साल और छह वर्ष ठीक है तो जो नया आरबीआई का जो नया एमपीसी के जो तीन नए बाहरी सदस्य जो बनाए जाएंगे ठीक है उनका कार्यकाल पूछा गया है मेरे से आप लोगों को पता भी होगा ये चार साल है ठीक है बच्चों ये इयर्स है है जो इनका है। चार साल है ठीक है आरबीआई से रिलेटेड ये दो चार क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश याद बता रहे हैं डी बहुत बढ़िया बेटा आपने बिल्कुल सही बताया है डी फोर इयर्स है इनका नया जो टेन्योर है जो नए बाहरी सदस्य जो अपॉइंट किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा

स्टार्टअप इंडिया स्किल्स ठीक है और स्टार्टअप इंडिया स्किल्स है फिर स्टार्टअप इंडिया पावर है स्टार्टअप इंडिया ग्रोथ है ठीक है तो आपको बताना है कि क्या नाम है बच्चों उसका ठीक है तो जो नाम है वो नाम है स्टार्टअप इंडिया सोकेश स्टार्टअप इंडिया सोकेश नाम है जो डी पी डबल आई टी ने एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सोकेश ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च एमएसएमई प्रेरणा एन ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर मैं बाई स्टेट रन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एमएसएमई के हमारे मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट के वो कौन है बच्चों ठीक है एमएसएमई प्रेरणा एन ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई बाय स्टेट रन स्टेट रन कौन सी बैंक आईडीबीआई एचडीएफसी एसबीआई इंडियन बैंक केनरा बैंक ठीक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य संचालित <coughs> कौन सी बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार परामर्श कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है आईडीबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक एसबीआई, इंडियन बैंक या फिर केनरा बैंक ठीक है तो जिस बैंक के साथ इसको किया है उसका नाम है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें कि उस बैंक का नाम क्या है अगला क्वेश्चन है बच्चों हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी इन लिटरेचर बॉब डाइलन काजुओ इजीगुरो ओल्गा टोकारसुक पीटर हैंडके या लुइस ग्लक ठीक है लिटरेचर के लिए किसको यहां पर नोबेल प्राइज 2020 का मिला हुआ है बच्चों ठीक है तो ये मिला हुआ है लुइस ग्लक को ठीक है लुइस ग्लक को मिला हुआ है ठीक है <coughs> जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ आर के छिब्बर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ डेज मंथ ठीक है कितने मंथ के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर के छिबर का कार्यकाल डेस महीने के एक और अवधि तक बढ़ा दिया है कितने बारह छः पांच चार या नौ तो यह जितने महीने तक बढ़ा दिया गया है वो है छ महीने तक के लिए छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है उनका जो जिनका भी हाल ही में निधन हो गया महेंद्र नाथ पांडे प्रहलाद जोशी गजेंद्र सिंह शेखावत रामविलास पासवान या नरेंद्र सिंह तोमर यहां आपको जितने भी नाम दिए हुए हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है ठीक है बच्चों इनका नाम है रामविलास पासवान ठीक है रामविलास पासवान जी का हाल ही में निधन हो गया इनको ट्रिब्यूट भी दिया था अभी मोदी जी ने हाल ही में ठीक है रामविलास पासवान ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन भी पढ़ते हैं हु प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर इज पोएट्री वर्क ठीक है सरला पुरस्कार जो आ, उनकी पोएट्री वर्क है सेत बेलाकातु नतीबा ठीक है जो कि 2017 में पब्लिश हुई है तो किसको यहां पर अवार्ड किया है बनाजा देवी को शत्रुघ्न पांडव को पंडित हरमोहन खुंतिया को प्रदीप दास को या फिर नित्यानंद नैया को ठीक है तो जिनको दिया है वो नित्यानंद नैया है ठीक है नित्यानंद नैया जी को यहाँ पर इनकी जो पोएट्री वर्क है सेता बिलाकू नतीबा उसके लिए इनको जो है यहां पर पुरस्कृत किया गया है बच्चों ठीक है चलिए टे चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंडिया एम एफ आई ठीक है चेयरमैन कौन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एम जयरमन नीलेष शाह सुकुमार शंकर बी आर रेड्डी या एस ए गोविंद राज भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है तो जिसे चुना गया है वह है नीलेष शाह जी को नीलेष शाह जी को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है AMFI का mutual mutual वही चीज़ है कि म्यूचुअल द राइट आंसर नीले शाह ठीक है चेयरमैन ऑफ तो इसको बिल्कुल नोट्स बना लीजिए चेयरमैन कौन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की तो उनका नाम है है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार डेज का क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है बच्चों तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर के दिन आप लोग बिल्कुल अक्टूबर मंथ में बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा अक्टूबर के अक्टूबर के जो मंथ है अक्टूबर मंथ में ये जो डेज़ हैं बच्चों डेज़ एक्स डेज़ वाई चीज़ पड़ती है जेड डेज ये पड़ता है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों ठीक है तो आप इनका बिल्कुल जो है बारीकी से अध्ययन कीजिएगा कि किस दिन क्या पड़ता है दो अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है ठीक है एक अक्टूबर को भी पढ़ता है लेकिन दो अक्टूबर को जैसे हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपिता जी का जो है आ, दिन पड़ता है तो उसके बाद से शुरुआत हो जाती है तो आपको बिल्कुल हर एक चीज याद रखनी है क्योंकि किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से डे को क्या हुआ है गुड इवनिंग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया जी डी पी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई द दिस फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन विच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ दी विच is रिफ्लेक्टिव ऑफ the नेशनल लॉकडाउन एंड the इनकम शॉक experienced by दी households and एंड फॉर्म्स ड्यूर the कोविड 19 pandemic. विश्व बैंक ने भारत को डैश दिस फाइनेंशियल ईयर द्वारा अनुबंधित करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जो राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण घरों और फर्मों द्वारा अनुभव किए जाने वाले आय के झटके से प्रतिबिंबित होता है कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत है नाइन प्रतिशत नाइन बहुत बारीक ऑप्शन हैं बहुत ही क्लोज ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर गुड इवनिंग बच्चा बहुत ही बारीक ऑप्शन है आपको बताना है क्या है और वो है 9.6 परसेंट बच्चों 9.6 परसेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर विद इंडिया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आई आर सी टी सी टू प्रोवाइड इट्स कस्टमर्स विद फैसिलिटी टू बुक रिजर्व ट्रेन टिकट्स एमेजन अली बाबा पेटीएम ई बे या फ्लिपकार्ट निम्न में से किसी ई कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए और इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है कौन है वो सारी ई e कॉमर्स कंपनी है यहाँ पर अमेजन अली बाबा पेटीएम ई बे और फ्लिपकार्ट स्नैपडील का नाम छोड़ दिया इसमें कोई बात नहीं है ऑप्शन की बात हो रही थी केवल बोले यहाँ तो और उसका नाम है अमेजन ठीक है अमेजन ठीक है अमेजन इसके फाउंडर कौन है बच्चों इसके फाउंडर जेफ जेफ बेजोज। जेफ बेजोस बेजोस ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन बाय किंग अब्दुल्ला सेकेंड इब्न अल हुसैन ठीक है किंग अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन द्वारा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो कौन है वो हानी मुल्की फैज तरा वने उमर अल रजाज बिशवल खसावने और अब्दुल्ला इंसूर तो कौन है बच्चों वो उनका नाम है बिशरल खसावने ठीक है बिश्रल हैं जिनको प्रधानमंत्री के पद पर नया कहां पर जॉर्डन का ठीक है जॉर्डन जिसकी राजधानी क्या है बच्चों अम्मान राजधानी क्या है अम्मान नियुक्त किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेम द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट प्राइज इन केमिस्ट्री पास अवे एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का नाम बताइए जो रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनका नाम बताइए आप रामोन ब्रावो जीन लुई बर्लैंडियर मार्कोस बेसेरा मारियो मोलि या फ्रांसिस्को बुलनेस तो यहाँ पे आपके सामने पांच नाम है नाम भी बिल्कुल ऐसे डेस्पसीटो टाइप हैं ठीक है थीके? तो आप हमें बताइए ये ए डी 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 क्या चल रहा है बच्चों कमेंट में ठीक है आप बिल्कुल देखिए जो क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के साथ आप अपने कमेंट को जब आप अपने ऑप्शन को बताते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए भी सही रहता है और मेरे लिए भी सही रहता है कि मैं समझ पाता हूँ कि आप किस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं बच्चों ठीक है ये चीज़ आप भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि मुझसे मुझे फिर ये पता चल पाता है कि आप किस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर आप अपना आंसर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अपनी तत्परता बनाए रखिए और ज्ञान लेते रहिए ज्ञान का कर संचार करते रहिए नॉलेज इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ फ्लो दोनों तरफ से होना चाहिए ठीक है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जो इसका उत्तर है वो है मारियो मोलिना ठीक है मारियो मोलिना द फोर्थ ऑप्शन इज राइट तो इकलौते ये मैक्सिकन साइंटिस्ट हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिला था और हाल ही में इनका सर क्लीन नहीं ए, दिख रहा है बेटा हो सकता है कि आप अपना थोड़ा सा जो पिक्सल्स होते हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए दिखेगा आपको बच्चा ठीक है साधना शुभम सिंह बी बी बेटा नहीं है जीन लुइस बल्नार्डिया नहीं है मारियो मोलिना जी हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा छब्बीस सवाल आज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटर्ड अ पार्टनरशिप विद इसराइल टू एस्टेब्लिश वन ऑफ अ काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट टू इंप्रूव एंड प्रमोट द लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स ठीक है निम्नलिखित में से किस राज्य ने इसराइल के साथ साझेदारी में एंटेटो में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर एक तरह का उत्कृष्टता केंद्र सी ओ ई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और किसानों की आजीविका को बढ़ाया बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है तो पांच स्टेट्स हैं यहाँ पांच ऑप्शन आपके सामने हैं ठीक है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा और मेघालय तो जो सही उत्तर है वो है मेघालय मेघालय कैपिटल क्या बच्चों इसकी शिलोंग है शिलोंग ठीक है नॉर्थ ईस्ट नेशंस में आता है ये भी ठीक है चलिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज एमओयू एमओयू नाबार्ड ने इंक किए हैं किसके साथ नाबार्ड ने तीन एमओयू बच्चों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है ठीक है यह इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और देशों के बीच में की जाती है एक समझौता टाइप का होता है हस्ताक्षर करना पड़ता है इस पर सर आपकी कोचिंग कहां पर है ठीक है एमओ यू है विद किस बैंक के साथ किया है टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर वेरियस नाबार्ड प्रोजेक्ट ठीक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ावा बढ़ाने के लिए तीन समझौते ज्ञापन को शामिल किया है किस बैंक के साथ यहां पर समझौता किया गया है शुभम पच्चीसवा क्वेश्चन बेटा बहुत पहले बीत चुका है अगेन रिपीट आप क्वेश्चन के बाद अपना ऑप्शन बताइए बच्चा ई आप लिख करके बता रहे हो तो जिस बैंक के साथ यहां पार्टनरशिप की है वो है भारतीय स्टेट बैंक ठीक है भारतीय स्टेट बैंक के साथ नाबार्ड ने अपने तीन परियोजनाओं का एमओयू साइन किया है ठीक है गुड इवनिंग बच्चा गुड इवनिंग ठीक है तो नाबार्ड ने तीन प्रोजेक्ट अपने जिनके साथ जिस बैंक के साथ किए हैं बच्चों वो है भारतीय स्टेट बैंक के साथ ठीक है चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यह तो चीज आपको पता ही होगी ठीक है उसके लिए जमीन भी जो है अधिग्रहित कर ली गई है ठीक है पहले से देखी जा चुकी है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर है कंसेशन एग्रीमेंट ठीक है कंसेशन एग्रीमेंट एक साइन हुआ है ठीक है विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ज्योरिक जेरिक एयरपोर्ट ठीक है ये जो है साथ में मिलकर के जो डिज़ाइन करेगा जो अपना इम्प्लीमेंट करेगा और जो मॉडल डिज़ाइन किया जाएगा वहाँ पर जो एयरपोर्ट का मॉडल होगा जेवर पे जो बनेगा उसके लिए फॉर डिज़ाइनिंग देखिए किन किन चीज़ों के लिए फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ठीक है ऑपरेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ फोर्टी ईयर्स चालीस साल के लिए ठीक है तो जो नया एयरपोर्ट यहां बनेगा चालीस साल तक के लिए वहां की जो देखरेख है जो डिजाइन है जो बिल्डिंग है उसकी ऑपरेटिंग उसका जिम्मा जिसको दिया गया वो जेवरिक एयरपोर्ट को दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर इज लोकेटेड इन एट विच स्टेट ऑफ इंडिया किस प्रदेश में अब जेवर की बात तो मुझे लग रहा है कि लगभग उत्तर प्रदेश के अगर आप नागरिक है तो सभी को पता होगा कि कहां की बात बच्चों की सो भी आई अगेन रिपीट यू की पॉइंट राइटिंग द कमेंट ठीक है आप ऑप्शन हमेशा केवल लिख करके दे रहे हो आप क्वेश्चन के बाद ऑप्शन लिख करके दो ठीक है तो जो यहां पर है मैंने बता दिया कि जेवर एयरपोर्ट कहां पर बच्चों और वो है उत्तर प्रदेश में ठीक है उत्तर प्रदेश में ठीक है जीवरिक एयरपोर्ट जो 40 साल का जो एक समझौता टाइप का जो साइन हो रहा है एयरपोर्ट बनाने के लिए ठीक है तो जेवर जो है उत्तर प्रदेश में है चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी एमपीसी के बारे में अभी हम लोगों ने बात की है कुछ क्वेश्चंस पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो एक्सटर्नल मेंबर्स जो अपॉइंट होंगे एक्सटर्नल मेंबर्स एक्सटर्नल मेंबर्स जो अपॉइंट होंगे उनका टेन्योर कितना फिक्स किया गया उनका टेन्योर फिक्स किया गया बच्चों फोर इयर्स के लिए ठीक है तो अगला क्वेश्चन यहां पर यही है कि आर जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनी है हैज रियल द रियल जीडीपी ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ जो हमारा वित्तीय वर्ष आने वाला है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू कॉन्ट्रैक्ट बाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित होगा कितना कॉन्ट्रैक्ट बाई कितना ठीक है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष इक्कीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को कितने द्वारा अनुबंधित करने के लिए आका है कितना अनुबंधित होगा कॉन्ट्रैक्ट कितना किया हुआ है इसको तो जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है बच्चों वो है 9.5 पॉइंट परसेंट नाइन पॉइंट परसेंट के लिए जीडीपी को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया है बच्चों ठीक है 28 एट बी नाउ दिस इज द राइट वे टू आंसर एनीथिंग बट वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 29 नाइन okay? ओके तो लाइव रही है बिल्कुल बच्चा तब ता, तक ताकि आप जो है क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जो है तुरंत दे सके ट्वेंटी नाइन एंड दैट्स द राइट आंसर बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसवें सवाल पर आज की हम आ चुके हैं और चालीस मिनट बीत चुका है आप लोगों की तन्मयता मुझे चाहिए चैतन्यता चाहिए ताकि ता मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा सकूं और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाते रहिए जिससे मुझे लगे कि आप भी जो हैं यहाँ पर बिल्कुल तल्लीन हैं पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए अब अपना बात करते हैं अगले अगला बढ़ते हैं नॉर्वेयन नोबल कमेटी ठीक है एक होता है रॉयल अकेडमी ऑफ स्वीडिस ठीक है आर एस सी एस ठीक है ठीक है एक आर एस सी एस होता है रॉयल स्वीडिस कमेटी होती है ठीक है नोबेल की और एक होती है नॉर्वेयन नोबेल कमेटी ठीक है हैज़ डिसाइडेड टू नोबेल पीस प्राइज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू द पीस प्राइज 2020 का देखिए 2019 का कल हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था एक देश है इथोपिया वहां के प्रधानमंत्री को मिला था वहां के प्रधानमंत्री को क्यों मिला था अभी अहमद साहब को मिला था अभी अहमद साहब को मिला था बच्चों शांति का पुरस्कार अभी अहमद साहब को मिला था अभी अहमद साहब को क्यों मिला था क्योंकि इकतालीस साल की उम्र है और उन्होंने बीस साल लगातार बीस साल लगातार सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इस सेक्टर में उन्होंने बच्चों काम किया था ठीक है तो इस साल नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया है कि 2020 का नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो दिया जाएगा और वो बच्चों किसको दिया जाएगा आपके सामने पांच ऑप्शन हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को परमाणु हथियारों को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो चलाते हैं उनको विश्व खाद्य कार्यक्रम या रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन को तो जिनको दिया जाएगा वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ठीक है विश्व खाद्य कार्यक्रम ठीक है इनको दिया जाएगा चलिए

कितने के लिए वार्षिक मान्यता प्राप्त की है ठीक है एनुअल रिकॉग्निशन कितनी ईयर के लिए इन्होंने प्राप्त कर ली है तो वो जितने वर्षों के लिए प्राप्त की है वो है बच्चों तेरह वर्षों के लिए ठीक है तेरह वर्षों के लिए इन्होंने प्राप्त कर ली है ठीक है चलिए तो आज का हमारा इकतीसवां सवाल बच्चों खत्म हो चुका है ठीक है चलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं आप लोगों के नोट्स भी मेरे हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं आँ... कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं क्या वो साइलेंट किलर तो नहीं है कि वो बस केवल नोट बना रहे हैं चुपके से बैठे हुए हैं कमेंट भी नहीं कर रहे हैं चलिए कोई बात नहीं आप पढ़ते रहिए जो कि मेन यहाँ पर आ, एम है हमारा बच्चों का ठीक है और एग्जाम निकालिए हु हैज़ बीन गिवन एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक है पी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ठीक है तो उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे दिया गया है तो किसे दिया गया है अभी रीज़न है कि दिया क्यों गया है अभी हाल ही में मैंने ये डिस्कस किया था सर में अरविंद कुमार अच्छा अच्छा दिया था बेटा 2016 दिया था क्या हुआ था बेटा आपका 2016 में यूपीएसआई में आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में ठीक है ठीक है तो कंज्यूमर uh, अफेयर्स का एडिशनल चार्ज दिया गया है चूंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले आपसे डिस्कस किया है कि क्यों रीजन क्या रहा है हाल ही में एक uh, uh, मंत्री uh, जिनका निधन हो गया है जो ये पोर्टफोलियो संभाल रहे थे उसी तो की वजह से एडिशनल चार्ज मिला है और वो मिला है पीयूष गोयल साहब को ठीक है पीयूष गोयल साहब को मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का चलिए नेम द फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल रिसेंटली ठीक है DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है जिसे हाल ही में डी आर डी ओ द्वारा परीक्षणित किया गया था ठीक है तो ऑप्शन नाम भी काफी प्यारे हैं पृथ्वी सूर्य आकाश रुद्रम या फिर ध्रुव तो जिसको किया है वो है रुद्रम रुद्रम है ठीक है बच्चों जिसको क्या चीज है रुद्रम देखो रुद्र अब नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि रुद्रम है रुद्रम क्या है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल क्वेश्चन आता है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है ठीक है तो उसका नाम है रुद्रम और किसने किया है तो किसने किया है वो है डीआरडीओ ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ठीक है मई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वैश्विक स्तर पे चूंकि विश्व की बात हो रही है ग्लोबली ठीक है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आठ अक्टूबर आठ अक्टूबर को तो अभी हम लोगों ने कुछ मनाया था नौ अक्टूबर को भी हम लोगों ने अभी पोस्टल दिवस मनाया ठीक है ठीक है तो किस दिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और वह मनाया जाता है बच्चों दस अक्टूबर देखिए अभी चौंतीस क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं अक्टूबर के ठीक है और चौतीस में आप देख सकते हैं कि तीन जो है डेज निकल करके आ गए तीन डेज निकल करके आ गए अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि अक्टूबर का मंथ जो है ये डेज के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो अभी आप देख ही सकते हैं कि थर्टी फोर में तीन क्वेश्चन जो है वो डेज के ही आ गए ठीक है तो इस रिस्पेक्ट में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अक्टूबर मंथ को डेज के रिस्पेक्ट में आप जो है थोड़ा सा इसको तवज्जो दे दीजिएगा चलिए तो यहां पर क्या है दस अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों चलिए नेशनल पोस्टल डे फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया है ठीक है नेशनल पोस्टल डे यहां पे आया है ठीक है नेशनल पोस्टल डे क्या है दस अक्टूबर को है ठीक है दस अक्टूबर को अभी वो भी था और दस अक्टूबर को यह भी है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वराज स्वरोजगार योजना ठीक है मुख्यमंत्री सौर स्वराज ार योजना ठीक है किस राज्य ने शुरू की है राज्य आपके सामने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र है ठीक है तो इन पांच राज्यों में किसने स्कीम में का नाम है बच्चों ये तो आप अपने सामने लिख सकते हैं जैसे आप क्या करिए कि जब करंट अफेयर्स आप पढ़ा करिए तो करंट अफेयर्स में आप अपने कॉलम्स बना लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन आया डेज वाला तो डेज में आपने इसको डाल लिया ठीक है कोई आया अपॉइंटमेंट्स वाला तो अपॉइंटमेंट्स आपने अपॉइंटमेंट में वो चला गया ठीक है आप हमने बना लिया कि जैसे स्कीम्स का आ गया स्कीम्स आपने बना लिया थीम्स आया थीम्स बना लिया ठीक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया ऑर्गेनाइजेशन आया तो आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया हैफ़ाज नहीं है एक फ्लोचार्ट के मेथड से जब आप चीज़ों को कर रहे हैं सर मैथ कहाँ से पढ़ें बेटा किताब से पढ़ेंगे आप मैथ किताब से पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले आप ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएंगे लेकिन आपकी वहाँ पर फिर वही चीज़ है तलीनता बहुत मैटर करेगी कि आप कितने कंसनट्रेटेड हैं कितने फोकस्ड हैं एट द एंड ऑफ द डे करना आप ही को होता है टीचर जो होता है एक ट्यूटर होता है एक एडोकेटर होता है जैसे जैसे डेज एडवांस कर रहे हैं नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन पद्धति वही है जो गुरु की हुआ करती थी ठीक है गुरु हुआ शिक्षक हुआ ठीक है टीचर हो गए टीचर से फिर ट्यूटर हुए ट्यूटर से एडुकेटर हुए एडवांसमेंट हो रही है काम वही चला आ रहा है ठीक है पद्धति वही है पहले अब जैसे ट्यूटर में क्या अंतर हो जाता है आपने ऑनलाइन कभी नहीं सोचा था पहले कि ये चीज़ें होंगी पहले क्या होता था कि बालक छोटा होता था तो वो जाता था गुरु के पास गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाद में उसे दीक्षा देनी पड़ती थी ठीक है लेकिन अभी क्या हुआ फिर वो टीचर हुआ ठीक है और उसके बाद लैंग्वेज का थोड़ा सा आया कम्युनिकेशन के लिए उसके बाद ट्यूटर हुआ ट्यूटर घर पे जाने लग गए एडुकेटर हो गए ऑनलाइन पढ़ाने लग गए ठीक है तो अल्टीमेटली थिंग्स थिंग इज दिस कि देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज फ्लो नॉलेज फ्लो चल रहा है प्रोसेस ऑफ नॉलेज फ्लो चल रहा है देखो बच्चों ठीक है काम एंशंट एज आप उठा लो और चाहे आप मॉडर्न एज आज का समय ले लो मॉडर्न डे ले लो चीज़ वही हो रही है मैथ की बुक बच्चा आप अगर सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हो टेक आर एस आर एस ले लो आर एस अग्रवाल ले लो ठीक है बेसिक्स है, ठीक है और एक्सरसाइज पे रैंडमली मत जाना पहले एग्जाम्पल्स देखना एग्जाम्पल देखना और उसके बाद आप अपने को लगे कि जैसे कि क्या पढ़ना चाहिए अरिथमेटिक आप उठाओ या आप उस सेक्शन को उठाओ जैसे आपको लगता है कि आपके लिए आराम है ठीक है आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक आप किस में आ, बेस्ट हो ठीक है आपका एक होता नहीं है कि इंसान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जैसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर अलजेब्रा है तो आप अल्जेबरा उठाओ लेकिन किसी एग्ज़ाम में आता है नहीं बच्चो। इक, आ, है बच्चों जो मेजर पोर्शन है मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स के वो हैं अरिथमेटिक उसमें भी प्योर और कॉमर्शियल है ठीक है अरिथमेटिक के बाद आपका आ जाता है मैंसोरेशन जोमेट्री स्टैट्स का पोर्शन है ये चार पोर्शन बहुत ज्यादा ट्रिगो भी नहीं आती है ठीक है ट्रिगो मतलब इन एग्जाम्स में नहीं आती है ट्रिगो अलग लेवल के एग्जाम में आती है एनडीए सी डी में उनमें आती है ठीक है तो सी में भी नहीं आती है ट्रिगो उतनी बहुत ज़्यादा ठीक है तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वराज गौर योजना और जिस स्टेट ने बच्चों इसको लॉन्च किया है वो स्टेट वो का नाम है यहाँ पर उत्तराखंड उत्तराखंड ने इस स्कीम को लॉन्च किया है तो बच्चों पढ़ने का ये तरीका है आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि कैसे आप इसको मैनेज करेंगे ठीक है ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा आपका पैसा भी निवेश करूँगा तीन रुपए की आप बढ़िया लिखो फेंको वाली पेन लो ठीक है पाँच पेज लो पेज के ऊपर आप अपनी हेडिंग डाल लो मंथ आपको पता होना चाहिए कम एक दस रुपये का वो जो आता है उसको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का फाइल होता है उसमें अपने पेजेस लगाते रहो ठीक है और पेजेस लगाते रहो और उसके बाद क्या करो ऐड करते रहो ब्लैंक पेपर लो उस पर आप अपना लिखो वो टॉपिक रहेगा किस मंथ का पढ़ रहे हो आप और उसमें उस पेज पे आप सारा लिख डालो तो जब आपका रिकॉल करने का जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है उसमें छः महीने का करेंट अफेयर्स आने वाला है तो चूंकि आपने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं तो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू सर मेरा नहीं हुआ था अब मुझे सिलेक्शन जिद है तो जिद है बेटा तो जिद है उसको जुनून बनाओ जुनून ही जो है इंसान को सफलता तक पहुंचाता है बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा ठीक है तो आप ये काम कर सकते हैं और चूंकि आपका नोट रहेगा तो आपका खुद का नोट्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा किसी के नोट्स और पढ़ने में थोड़ा सा एक वो रहता है कि उसने शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाए हुए हैं किस उसका क्या पर्सपेक्टिव रहा है ठीक है लेकिन अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो वो आपके दिमाग के आपके हिसाब से बना हुआ है और आप उसको ग्रैस्प जल्दी कर पाएंगे चलिए तो हमारा क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री सौर स्वराजगार योजना और उसका उत्तर है उत्तराखंड वो राज्य है जिसने इस स्कीम को जिसने इस योजना को लॉन्च किया है चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना बच्चों एक अ टू डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज एक uh, दो दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसका नाम है वो कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ठीक है कोस्ट गार्ड की तो वैकेंसी भी इस समय निकली हुई है असिस्टेंट कमांडेंट की ठीक है इंडियन नेवी अलॉन्ग विद इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन कोस्टल सिक्योरिटी फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केरला ठीक है ठीक है कोस्टल सिक्योरिटी तो आपको बताना है कि दो दिन दो दिनों का जो है तटीय सुरक्षा अभ्यास हुआ है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में केरल के तट पे हुआ है ठीक है केरल के तट से केरल के तट से तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा आयोजित किया गया उसका नाम क्या है बच्चों देखो नाम आपके सामने ऑप्शन है कि इंद्र नाव सहयोग क्याजिन समुद्र शक्ति सागर कवच या फिर वरुणा ठीक है यूपीएसआई मैथ का लेबल क्या लेबल अच्छा है बच्चों अच्छा है सी लेवल का मैथ आता है उसमें ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है वो है सागर कवच सागर कवच है ये दो दिन का जो एक सैन्य अभ्यास हुआ था नेवी का ठीक है नेवी की एक्सरसाइज है ये सागर कवच तो आपको अब आप देखिए यहाँ पर एक अब जो मैंने बताया था उसमें आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस मतलब एक्सरसाइजेस भी डाल दीजिए मिलिट्री क्यों बोलूँ मैं उसको ठीक है तो एक्सरसाइजेज उसमें नेवी भी आएगी एयरफोर्स भी आएगी और आर्मी भी आएगी तो आप इस चीज़ को इस हिसाब से आप पढ़ते रहिए कई सारी एक्सरसाइज़ को मैंने मतलब मैं अभी तक कर रखा है कल मैंने काजिंद की बात की थी कजगिस्तान और इंडिया के बीच में जो हुई थी फिर आ, मंगोलिया के साथ हमारी हुई थी नोमैडिक एलिफेंट ठीक है नोमैडिक एलिफेंट हुई थी और उसके बाद हमने एकवेरियन की बात की थी बच्चों एकवेरियन की बात की थी भारत और मालदीव ने की है ठीक है तो ये चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ते रहते हो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है और अगर आप उसको मतलब पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें पढ़ती जा रही होंगी रिकॉल कर पा रहे हो अगर आपने कल की क्लास की होगी कि नोमैडिक एलिफेंट क्या है एक्वेरिन क्या है और उसके बाद काजिंद क्या है ठीक है और फिर आज हमारा आ गया कि सागर कवच है सागर कवच किसने किसने किया हुआ है तो सागर कवच किया है भारतीय नौसेना ने और भारतीय तटाक्षक बल ने ठीक अच्छा है और कहा किया है? केरल के तट पर किया हुआ है प्रियंका प्रियंका नमस्ते बच्चा नमस्ते चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना अब देखिए थीम पे क्वेश्चन फिर आ गया जो मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि आप पेपर्स पे बनाइए कम कम रिसोर्स में देखो एक चीज होती है एक कहावत है कि कबाड़ से जुगाड़ कबाड़ से जुगाड़ और भारत जानते ही यो इस चीज़ में बहुत आगे है भारत के पास संसाधन अगर सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए तो शायद भारत सबसे ज़्यादा उन्नत देशों में एक रहे डेवलप्ड नेशन में आ जाए लेकिन डेवलपिंग ही है रीजन है क्योंकि रिसोर्स जो है वो जो एलोकेशन है रिसोर्स का वो सही से हुआ नहीं जिसको जरूरत है तो उसके पास है नहीं और जिसके पास है नहीं उसको ज़रूरत नहीं है तो चीज़ें ऐसी हैं तो मैं यहाँ फिर बात कर रहा हूँ कि थीम क्या है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ठीक है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है 2020 का जो इस बार हुआ है उसका थीम क्या है बच्चों तो आपको थीम हमें अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका थीम क्या है बच्चों क्योंकि देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं ठीक है और ये किस दिन हुआ है तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो होता है ये दस आ... अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो होता है टेंथ ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है तो उसका यहाँ पे बच्चों अब देखिए दो चीज़ आपको पता चल गई एक तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे किस दिन होता है और दूसरी चीज़ उसकी आ, थीम क्या क्या है तो थीम्स यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन के रूप में लिखी हुई है माइग्रेटरी एनिमल्स कनेक्ट टू द प्लेनेट द फ्यूचर इज़ अ फ्यूचर अ हेल्दी प्लानट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड पीपल प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन बर्ड्स कनेक्ट अव वर्ल्ड एंड माइग्रेटरी कनेक्टिविटी फॉर ग्लोबल ओशन पॉलिसी ठीक है तो ये चीज़ें हैं अब आपको एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन पता चले दो मतलब चीज़ें आपको रिलेट कर पा रहे हो एक वट इज वैन वेन डू दिस वर्ल्ड वाइड माइग्रेटरी डे बर्थ डे फॉल एंड द सेकेंड वन इज़ द थीम फॉर दिस वर्ल्ड माइग्रेटरी डे और क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है दोनों में से कोई क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो जो इसका सही उत्तर है बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड ठीक है पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं या हमको हमारी दुनिया को जोड़ते हैं बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है कोई बात नहीं हिंदी में ठीक है लेकिन वर्ड्स कनेक्टर वर्ड वो कहते नहीं है कि जब एग्जाम भी आपका आता है तो जब बाइलिंगल एग्जाम्स होते हैं तो आपने देखा होगा जब बाइलिंग्वल्स हिंदी और इंग्लिश में जब एग्जाम लिखे रहते हैं तो उसमें कहता है कि जब हिंदी में अगर कोई त्रुटि है कोई क्वेश्चन में तो दिखता है कि उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश वाला जो है एट द एंड ऑफ द डे जब कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें इंग्लिश वाला ही मान्य होगा तो यहाँ भी यह इंग्लिश वाला ही मान्य है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड और पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर यही था वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्थ डे फॉल्स ऑन टेंथ ऑफ अक्टूबर एंड द थीम फॉर दिस इज बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उनतालीसवें सवाल पर हम आज के आ गए हैं वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ठीक है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का बच्चों थीम क्या है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पढ़ता है बच्चों वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात अभी हम लोगों ने की थी बच्चों वर्ल्ड मेंटल मेंटल हेल्थ डे किस दिन पड़ता है और किस दिन पड़ता है ये इस बार मनाया गया है 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को ये भी मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे तो आपको देखिए चीज़ें आपको पता चल रही हैं और आपके यहाँ क्वेश्चन जो भी चल रहे हैं एक दो क्वेश्चन जो भी बैक टू बैक आ गए हैं वो थीम्स के आ गए हैं तो थीम्स भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव से तो यहाँ पर पाँच आपके ऑप्शन दिए हुए हैं थीम इसका जो होगा मेंटल हेल्थ फॉर ऑल जो बी ऑप्शन इसका मेंटल हेल्थ फॉर ऑल जो है इस बार इसका थीम था तो दो थीम्स आपको पता चल गई एक वर्ल्ड माइग्रेटरी डे का और दूसरी जो थीम पता चली है आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा चालीसवा सवाल है आज का इन इंडिया ठीक है भारत में द नेशनल पोस्टल वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम ठीक है राष्ट्रीय डाक सप्ताह जो है वो कब से कब तक मनाया मना चूंकि सप्ताह है तो ये सात दिन का होगा अगर फोर्टनाइट होती पखवाड़ा होता पखवाड़ा पखवाड़े पे भी ये क्वेश्चन था एक वीडियो में आप देखिएगा पखवाड़े पे भी क्वेश्चन था बच्चा ठीक तो, in so, right uh, okay? है तो इन इंडिया द नेशनल पोस्टल वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम अक्टूबर टू सो द राइट आंसर फॉर दिस नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेशन इट इज फ्रॉम अक्टूबर नाइन टू फिफ्टीन ओके चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ भारत के किस राज्य में विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट मतलब हर घर में नल का जल ठीक है ग्रामीण मतलब एक परिवेश में जैसे पानी की जो सप्लाई की बात होती है अब हमें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को देख करके ये बताइए कि कौन सा अ, मतलब एक शहर था भारत का जो पानी विहीन हो गया था मतलब वाटरलेस हो गया था अभी रिसेंट की एक न्यूज़ है ठीक है तो इसीलिए मतलब हमेशा एक एम्फेसिस डाला जाता है कि आप लोग जो है पानी बचाओ रखिए ठीक है थीके? शिवम हाय बेटा तो पानी बचाओ पानी बचाओ क्यों बोला जाता है देखो राजस्थान एक ड्राई स्टेट है ड्राई स्टेट मतलब इन दैट सेंस नहीं ड्राई स्टेट इन सेंस ऑफ वाटर ठीक है चूँकि डेजर्ट एरिया है ठीक है तो विच स्टेट एक सिटी है वो ड्राई हो गई थी बिल्कुल वाटरलेस हो गई थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो सिटी कौन सी ठीक चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट ऑफ द कंट्री बाय फुल्ली इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ठीक है भारत का कौन सा राज्य है हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है और ऑप्शन आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश राजस्थान गोवा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो इसका जो सही उत्तर है गोवा गोवा बहुत एक छोटा सा राज्य है ठीक है गोवा के बारे में तो आपको पता ही है गोवा के जो सीएम रहे हैं मनोहर पारिकर साहब ठीक है वो मतलब उनका निधन हो गया था ठीक है तो काफ़ी मतलब उन्होंने वहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है वहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ठीक है और वहाँ मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने की भी मतलब चेष्टा करते हैं चलिए राजस्थान के चलिए इसका उत्तर है बेटा गोवा ठीक है तो हर घर जल जो होगा वो होगा गोवा ठीक है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है ये किस दिन मार्क किया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये किस दिन मनाया जाता है ये हर साल मनाया जाता है और ये सपोर्ट करता है जो गर्ल्स होती हैं उनकी उनको जो अवसर के मामले में और जो अवेयरनेस होती है जो जागरूकता होती है जेंडर इनक्वालिटी को लेकर के ठीक है उसको बढ़ावा देने के लिए कि जो इनक्वालिटी हो रही है जो उनके साथ जो एक सशक्तिकरण के मुद्दे पर उनको लेकर के फोकस किया जाता है इम्फेसिस डाला जाता है ठीक है इव... काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में इनमें बात की जाती है जैसे शिक्षा की पहुंच तक की बात होती है फिर पोषण की बात होती है उनके न्यायिक अधिकारी अधिकारों की बात होती है और चिकित्सा सुरक्षा की बात होती है और जो शोषण होता है उससे बचाव की बात की जाती है बच्चों यहाँ पर ठीक है तो ये एक जो दिवस है ये दिवस जो जब सेलिब्रेट किया जाता है तो एक मतलब एक उद्भव के रूप में आ, महिलाओं के लिए देखा जाता है आ, बच्चों के लिए देखा जाता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें कि किस दिन मनाया जाता है ठीक है किस दिन मनाया जाता है बच्चों तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर के दिन 11 अक्टूबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है ठीक है चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आज का विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द जगन जगन्नाथ विद्या कनुका ठीक है एक स्कीम है फिर एक स्कीम का क्वेश्चन आ गया अभी स्कीम्स पे हम पढ़ ही रहे थे स्कीम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो उत्तराखंड की अभी लॉन्च की गई थी एक स्कीम वो थी और आज के क्वेश्चंस में और हमारा दूसरा क्वेश्चन स्कीम का ये आज आ गया ठीक है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली जो स्कीम्स होती है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है और काफ़ी सारे फैक्टर्स इनसे अभी हमने बात की जैसे न्यूट्रीशन हो गया ठीक है जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनके लिए फैक्टर्स में बता रहा न्यूट्रीशन हो गया हेल्थ है पार्ट उसी का है ठीक है, एजुकेशन है ठीक है सैनिटेशन है रूरल डेवलपमेंट है ये फैक्टर्स हैं जिनके लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती है ठीक है ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे, जैसे एसडीजी के गोल्स आप उठा लीजिए जब आपको एसडीजी के जो सत्रह पॉइंट्स हैं आपको अगर पता होंगे तो जब एस के सत्रह पॉइंट्स आप उठा करके बच्चों देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं चाहे नेशनल लेवल पर हो बच्चा चाहे फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर हो ठीक है तो ये स्कीम्स उन्हीं लिए लॉन्च की जाती है और फिर इसको लॉन्च किया जाता है तो पी रखा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा जाता है ताकि जो एक्सेस है वो टू ऑल हो सके अगर एक्सेस टू ऑल नहीं होगा तो फिर उस स्कीम का लॉन्च करने का फिर जो मोटिव है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है ठीक है तो किस स्टेट भारत के किस स्टेट ने लॉन्च की है जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम किस लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कूल किट्स जो कि बच्चे हैं उनको स्कूल किट्स पहुंचाने के लिए तो ये है जो प्रदेश है वो है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है तो अभी दो स्कीम्स थी पहली स्कीम की हमने बात की थी वो थी उत्तराखंड की और दूसरी हमारी स्कीम जो आई है वो आंध्र प्रदेश की आई है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हु हैज बीन रोब्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया फर्स्ट एवर होम ग्रुप होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ठीक है भारत के पहले ब्रांड के घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्मर के ब्रांड एंबेसडर के रूप में किसे चुना गया है ठीक है बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्मर तो किसे चुना गया बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि किसे चुना गया है देखिए शिवम अगर आप कमेंट कर रहे हो किसी चीज का आंसर ठीक है तो आई हैव टोल्ड इट अर्लियर मैंने बताया हुआ है बच्चा कि आप क्वेश्चन के बाद अपना जो है ऑप्शन यहां पर लिखिए जिससे आपको खुद भी पता हो पाए कि आप किसका आंसर दे रहे हैं ठीक है चलिए तो जिसका आंसर है वो है चेतन आनंद चेतन आनंद जो है उनको ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में चुना गया है घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्मर के लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन फिर थीम पे आ गया है थीम ऑफ द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे अभी क्वेश्चन हमने देखा था कि गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल का कम मनाया जाता है फिर वही बात गलत कर रहे हो आप ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड किस दिन मनाया जाता है और अभी देखिए बैक क्वेश्चन पे अगर हम अभी आते हैं ज्यादा क्वेश्चन अभी इसके भी नहीं हुए हैं बच्चों इंटरनेशनल डे देखो फोर्टी सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है इलेवंथ अक्टूबर को और हमारा अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है कि थीम क्या है इसकी ठीक है थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ दी गर्ल चाइल्ड की तो जो थीम है यहां पर वो है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर और बिल्कुल सही बात है सहभागिता की बात होनी भी चाहिए ठीक है सहभागिता की बात होनी भी चाहिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेम द विनर ऑफ द 2020 फ्रेंच ओपन मेन्स टेनिस चैंपियनशिप फ्रेंच ओपन मेंस टेनिस चैंपियनशिप का 2020 का खिताब किसने जीता है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हैं डी एगो स्वर्थमैन है रोजर फेडरर है नोवाक जोकोविच हैं डेनिश सापोवलाउ हैं और राफेल नडाल काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं रोजर फेडरर और इनका तो राइवल ही चला करता था ठीक है काफ़ी ग्रैंड स्लैम रोजर साहब के नाम है ठीक है नोवाक जोकोविच भी अभी नए नए मतलब हैं लेकिन उतना स्तर नहीं प्राप्त कर पाए हैं रोजर साहब जितना ठीक है चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो है राफेल नडाल ठीक है फ्रेंच ओपन मैक्सिमम टाइम्स जो है राफेल नडाल ही जीतते हैं फ्रेंच ओपन के ये बेताज बादशाह कहे जाते हैं और वहाँ पर इनको हराना मतलब असंभव के समान समझा जाता है साहब भी हार जाते थे फ्रेंच मैन से <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे अब देखिए फिर एक क्वेश्चन डे का आ गया आपका डे का सेक्शन मुझे लग रहा है कि अगर आप जिस हिसाब से मैंने नोट्स बताया है अगर आप बना रहे होंगे तो आपका जो नोट जो नोट मेकिंग का जो पेज है वो आपका भर जाएगा केवल डेज से आज पाँचवा या छठा डे आज का हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ये ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों बारह अक्टूबर के दिन बारह अक्टूबर के दिन जो है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है तो अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन चल रहा है और अक्टूबर मंथ के जो क्वेश्चन है उसमें फोर्टी सेवन क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कल से हमारा जो शेड्यूल अक्टूबर के लिए करंट अफेयर्स का शुरू हुआ है और आज हम लोग जो हैं उसके आगे एडवांस कर चुके हैं और हमारा जो चार पाँच दिन है अभी अक्टूबर का करंट अफेयर्स चलेगा और उसके बाद आपका कर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स एंड हो जाएगा ठीक है चलिए तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हु द हैज़ वन द 2020 ट्वेंटी आई फिल ग्रैंड प्रिक्स बॉब क्रिस्टी सिबेस्टिन वेटल मैक्स वर्स्ट पेन लेविस हेमल्टन और ये डैनियल रिकार्डियो काफ़ी बड़े नाम है ये तीनों सेवेस्टीन वेटल लेविस हेमल्टन और डैनियल रिकार्डियो ठीक है ये तीन नाम बहुत बड़े नाम हैं ठीक है ग्रांड प्रिक्स के मामले में अगर आप देखा जाए ठीक है अगर आप लोग टू से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चों तो 2016 से 2019 तक के फेस के ये लोग बहुत बड़े नाम है ग्रैंड प्रिक्स के मामले में ठीक है चलिए 47 ए एंड द नेम इज लुइस हैमिल्टन अगेन तो अनडिस्प्यूटेड ये चल रहे हैं लुई हैमिल्टन कभी सबिस्टिन वेटल जीत जाते हैं कभी डेनियल रिकार्डियो जीत जाते हैं कभी लुइस हैमिल्टन जीतते हैं तो इन तीनों में आपस में ही जैसे लग रहा है कि चल रहा है कि फला जगह की तुम जीत लेना फला जगह की हम जीत लेंगे ठीक है चलिए लुइस हैमिल्टन ने दो का आईफल ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है चलिए हाउ मैनी स्टेट्स हैव बीन सेलेक्टेड एज द बेनिफिशरीज ऑफ द स्वामित्व स्कीम इन द फर्स्ट फेज स्वामित्व स्कीम जो लॉन्च की गई है उसके फर्स्ट फेज में पह प्रथम चरण में जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं वो कितने स्टेट्स हैं दो चार छः आठ और दस सारे इवन नंबर्स हैं और डिवाइडेड बाई टू भी हैं तो जितने स्टेट्स हैं वो है स्वामित्व स्कीम का जो आ, योजना का जो मतलब यहाँ पर फ़ायदा ले पाएंगे जितने स्टेट्स हैं वो हैं बच्चों छः उनचास का बी नहीं बेटा उनचास का सी है ठीक है छः स्टेट्स हैं जो प्रथम चरण में बेनिफिशरीज़ के रूप में सेलेक्ट किए गए हैं स्वामित्व स्कीम में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है विच स्टेट ऑब्लिक यूटीज ठीक है विच स्टेट ऑब्लिक यूटीज हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी ठीक है वृक्षारोपण नीति ट्री प्लांटेशन पॉलिसी ठीक है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार शुरू की है आपके सामने ऑप्शंस हैं असम दिल्ली गुजरात आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी दिल्ली दिल्ली ने जो इसको लॉन्च की है आप हमें यह बताइए कि, कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है यूटी का दर्जा मिला था किस संविधान संशोधन के तहत ठीक है बच्चों पचास का बी बहुत सही सू बहुत बढ़िया बच्चा चलिए दिल्ली जो है पहला स्टेट या यूटी है जिसने ट्री प्लांटेशन की पॉलिसी को लॉन्च किया है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बीट सोफिया कैनिन ठीक है सोफिया कैनिन को इनमें से किसने हराया है विमेन का सिंगल टाइटल 2020 का फ्रेंच टेनिस ओपन जीतने के लिए फ्रेंच टेनिस अभी मेन में बात अभी हो रही थी तो किसने जीता था राफेल साहब ने राफेल नडाल ने राफेल नडाल ने जीता था ठीक है अब बात हो रही है दो हजार बीस का फ्रेंच ओपन ठीक है टेनिस ओपन किसने जीता है सुबह बता रही है कि बी विक्टोरिया जारेंका बट द राइट आंसर इज मैकडा ठीक है माकडा ने जीता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्टी सेकंड क्वेश्चन हुज अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इन इक्वलिटी ठीक है विल्लिंग समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसने फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद एक दिन के लिए ग्रहण किया है सोफिया इमोजेन एवा मुल्टो अबी नोवा या एमिली रेमी ठीक है किसने लॉन्च किया है बच्चों एक दिन के लिए तो जिसने लॉन्च किया है वो हैं अवा मुल्टो एवा फिफ्टी सेकेंड सी दैट इज राइट आंसर ओके नेम द विनर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन मैं डबल टेनिस चैंपियनशिप मैन का फ्रेंच का मैन का डबल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता है ठीक है मेंस डबल मतलब मेंस डबल मतलब मेंस दोनों खेल रहे हैं ठीक है सर आंसर पहले आ जाते हैं ओके okay, आ जाता है ठीक है बाद में लाएंगे आपकी ठीक है ए बीडीन एंड नोवाक ठीक है काफी नाम है इसमें आप लोगों को बताना है कि किसने जीता है ठीक है चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए शिवम कि इसका आंसर क्या होगा बच्चा मैं वेट कर लेता हूँ तो जी जो इसका सही उत्तर है वो है ई केविन क्रेड्स और एंड्रियाज माइज ने ठीक है बच्चों केविस क्राविड्स और एंड्रियाज माइज ने किसी ने उत्तर नहीं दिया शिवम आप उत्तर की बात कर रहे थे आपने उत्तर नहीं दिया आप लेट तिरपन का ई e, साधना बता रही हैं ठीक है बच्चा बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे विमेंस डबल टेनिस चैम्पियनशिप की बात बच्चों हो रही है ठीक है चलिए डबल विमेन डबल टेनिस की बात हो रही है अभी मेंस की हो रही थी टीमिया बबूस क्रिस्टीना मडानोनिक और एलेक् गुराकी ठीक है डेसिरा क्रॉस्की वरवरा ग्रेशेवा जैस्मिन पॉलिनी बारबोरा क्रेजिकोवा कतेरीना सिनाकोवा बेबी एनसॉफ्स एंड लॉरेंट डेविस बताइए बच्चों मैं वीमेंस का अभी मेंस का हो चुका है ठीक है मैं वीमेंस का बताइए कि कौन है तो आपके यहाँ पे चार जो फ्रेंच ओपन हुए हैं भारत यहाँ पर विश्व लेवल में ठीक है जो ग्रैंड स्लैम का पार्ट है उसमें फ्रेंच ओपन के सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेंस का भी दोनों डिस्कस कर लिया ठीक है सिंगल्स का अभी डबल्स का भी डिस्कस कर रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए शिवम साधना सोभी कि इसका आंसर क्या होगा <coughs> चलिए मैं बताता हूं इसका उत्तर बच्चों क्या होगा ठीक है इसका उत्तर है टीमिया बबूज द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन टीमिया बबूज एंड क्रिस्टीना म्लादेन ओविक ठीक है टीमिया बबूज एंड क्रिस्टीना म्लादेन ओविक ठीक है इसका सही उत्तर है ठीक है जो फ्रेंच ओपन की महिला का डबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है ठीक है तो ये थे हमारे आज का जो सेशन था बच्चों ये आज हमारा सेशन आज यहीं पे एंड होता है तो सेशन हमारा था आज 55 फाइव का ठीक है हम लोग अगले सेशन पे मिलेंगे तो हम लोग अपने और क्वेश्चन देखेंगे ठीक है और आप लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा ठीक है तो कल हम लोग बिल्कुल राइट शार्प सेवन ओ पर मिलेंगे और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन डोंट नो सर कोई बात नहीं बेटा ठीक है कल हम लोग और अपने आ, शार्प सिक्सटी क्वेश्चन लेंगे और फिर हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे इट विल कम ईच एंड एवरीथिंग लाइक डेज अपॉइंटमेंट्स ठीक है ग्रैंड स्लैम वे मतलब वेरियस टॉपिक्स लेंगे और उसको हम लोग कवर अप करेंगे ठीक है वेलकम बेटा ठीक है तो आप लोग बिल्कुल शार्प सेवन ओ पे आ जाइएगा करंट अफेयर्स का सेकंड फेज चलेगा ठीक है और उसमें हम लोग फिर से क्वेश्चन देखेंगे आज का नोट्स आप लोग बिल्कुल बनाकर रखिएगा और प्रयास ये करिए कि खुद के नोट्स बनाइए लाइव आ जाइए ठीक है कमेंट्स में आप रहिए आपका जो एक घंटे का सेशन है ठीक है करंट अफेयर्स का चीज़ ऐसा होता है ना बच्चा कि जो जी पार्ट होता है जी पार्ट मैं करंट अफेयर्स की ही नहीं केवल बात कर रहा हूँ जी पार्ट ऐसा होता है कि आप जितना डिस्कस करेंगे जितना आप प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे जितना आपका आप ग्रुप रहेगा ना उतना ही बिल्कुल सही रहता है ठीक है चलिए तो आप बिल्कुल लाइव आने की कोशिश करिए एक घंटे का बिल्कुल समय निकालिए करंट अफेयर्स के सेशन के लिए जिसमें आपको जो है जब जो डिस्कशन चलता रहता है कमेंट सेक्शन में ही चले भले हम फेस टू फेस यहाँ पर नहीं हैं ठीक है, है? लाइव हैं ऑनलाइन हैं ठीक है लेकिन जो आप एक घंटा देते हैं वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो जाता है ठीक है ठीक है तो कल मिलते हैं सात बजे बिल्कुल शार्प अपने नए साठ क्वेश्चन के साथ ठीक है टिल देन गुड बाय टेक केयर बुबाई